आप देख रहे हैं वी आर न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये ग्राम पंचायत भतखोड़ा है और जहां मैं बैठा हूं मेरे साथ अभी मौजूद हैं भतखोड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया उम्मीदवार यास्मीन खातून। आपको मैं बता दूं कि भतखोड़ा पंचायत मधेपुरा ज़िला के प्रखंड मुरलीगंज अंतर्गत पड़ता है और मेरे साथ आज मुखिया उम्मीदवार यास्मीन खातून हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी इस बार की चुनावी मैनिफेस्टो क्या होंगी और किन मुद्दों के साथ ये मैदान में उतरेंगी। हालांकि पिछली बार कुछ ही वोटों के कमी की वजह से ये चुनाव जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार पूरे जोश के साथ ये मैदान में उतरेंगी और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपके चुनावी मैनिफेस्टो क्या होंगे। मेरा चुनाव का ये है कि हम जितने भी गरीब हैं उसको वृद्धा पेंशन मिले, गली कूचे जो गंदा है उसे सही कर पाए, गरीब सबके लिए खड़ा हुए। चलिए, आपने बोला कि आप सबसे पहले वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को आप जो वृद्धा पेंशन होता है वो दिलवाएंगी, उसके बाद सड़क गली नली दिलवाएंगी। आपके पंचायत के अंदर हमने देखा है कि कहीं कहीं जल जमाव होता है, पानी बारिश के पानी रुक जाती है सड़क पर, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबके लिए हमको नाला वाला बनवाना होगा। अच्छा। गली कुची जैसे हम लोग का पंचायत साफ सुथरा रहे। एक चीज़ और है, आपके पंचायत के अंदर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो सड़क का जो सुविधा है और ख़ास करके आज 5 वर्ष से जो बीत गया है उसमें हमने देखा कि सड़क टूटी हुई है, और हमने जब पता किया आसपास के लोगों से, उनका कहना है कि वो सड़क 1 से 1.5 साल पहले बनी थी और वो अभी 1 से 1.5 साल के बाद सड़क टूट गई है, उसकी गुणवत्ता हद तक सही नहीं है, इसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? आने वाले इलेक्शन के बाद पहले हम यही सब सही करेंगे रोड सबको। क्या आपको मलाल नहीं है कि जो भूतपूर्व मुखिया, जो मतलब अब जो वर्तमान मुखिया है, उन्होंने काम नहीं किया है, तो फिर उसके बारे में कुछ आप बोलें? उन्होंने तो कहा कि हमें वोटे नहीं मुस्लिम दिया, तो मुस्लिम एरिया को देखना ही छोड़ दिया है। अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम खड़ा होकर अपना मुस्लिम भाई को, हिंदू भाई सबको एक साथ लेके अपना चले। उन्होंने बोला कि मुसलमान ने मुझे वोट नहीं दिया है, हिंदू भाई ने वोट दिया है, तो आप अगर जीतती हैं तो क्या बाद में आप भी ऐसा बोलेंगे? नहीं, हम सबको देखेंगे, हिंदू मुस्लिम सब मेरे लिए एक है, इसलिए अपना पंचायत को सबको देखेंगे हम। हिंदू मुस्लिम एक है? हाँ, सबको हम देखेंगे एक तरफ। मतलब ऐसा आप बोलती हैं या फिर करेंगे भी? करेंगे भी, किए भी हैं, तो इसलिए हमारा पूरा ही रहेगा कि मैं अपना सहयोग अपने पूरे पंचायत में दें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि आपको वोट क्यों करें लोग? एक कीमती वोट होता है, आपको वोट क्यों देगा, क्या वजह है? कुछ तो खास आपके अंदर आपके काम में रहा होगा या रहेगा जिसकी वजह से वोट देंगे? क्या आपको लगता है कि वर्तमान मुखिया ने काम हद तक सही नहीं किया? इससे पहले भी मेरे घर से मुखिया जो हुए थे वो भी अच्छा किए थे, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम आगे भी अच्छा करें। पिछली बार आप कुछ वोटों की कमी की वजह से रह गए थे, क्या वजह रहा होगा? वजह क्या रहेगा, जिसको जनता चाहा उसे वोट दिया, थोड़ा सा चूक हो गया होगा कहीं, इसी में मेरा वोट कम हो गया। चलिए, क्या बात है, आप एकदम आपने साफ सुथरे लफ्ज़ों में कह दिया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से जनता ने हमें नहीं चुना, उनको चुन दिया। लेकिन इस बार जहाँ भी आपके पंचायत हम गए हैं और ख़ास करके मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जहाँ पर भी है या ग्राम है वहाँ गए हैं, तो उनका कहना है कि मुखिया जी देखने के लिए ही नहीं आते हैं। मुखिया जी देखने के लिए तो ज़रूर जाते हैं, फिलहाल अभी बरसात लेके अभी नहीं गए हैं। आपके मुखिया जी तो जाते ही हैं और जाते रहेंगे, ऐसा हमको सुनने को मिला है, लेकिन वर्तमान मुखिया सुनते हैं कि वो मुस्लिम नहीं कहीं आए हैं, आज तक हम लोग को इधर देखने भी नहीं आई है कि क्या है हुआ गांव में, नहीं हुआ मुस्लिम एरिया में आज तक पैर भी नहीं दिए। एक चीज़ और बताइए, आपके पंचायत के अंदर ही एक भतखोड़ा बाज़ार के पास में पंचायत भवन है और साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र भी है,
वहाँ पर इस बार झंडा तोलन मुखिया ने नहीं किया, क्या बोलेंगे इस पर आप? गलती है, करना चाहिए जो चीज़ पंचायत का था, जिस तरह हम अगर आके बनेंगे तो हमको भी उसमें देना होगा, लेकिन मुखिया ने नहीं किया तो गलती हो गया उनसे। आप मानती हैं गलती क्या उन्होंने इस बार? उन्होंने तो गलती किया, राष्ट्रीय जनता के ऊपर उसको इन्होंने करना चाहिए, लेकिन कर दिए तब। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अगर आपके सामने से इस तरह के कोई हालात गुजरे तो आप भी ऐसे करेंगे? नहीं, हालात जैसा भी हो लेकिन गांव के प्रति भी हालात ठीक ही रखेंगे। चलिए, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने पंचायत वासियों को मुहर्रम की शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और भैया दूज के लिए शुभकामनाएं, मुबारक बहुत बहुत हो। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। अभी मेरे साथ थी बतखोड़ा बाज़ार से पूर्व मुखिया एवं वर्तमान मुखिया उम्मीदवार यास्मीन खातून, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि हमारा पहला मुद्दा होगा कि हम जितने भी पंचायत के अंदर वृद्ध महिला और व्यक्ति है सबको हम वृद्धा पेंशन देंगे, साथ में सड़क गली नली पर हम ध्यान रखेंगे, चूँकि इस पंचायत के अंदर काफ़ी सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर बरसात का पानी रुक जाती है और जिसके वजह से आवाजाही करने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इंदिरा आवास और जो गरीब लोग हैं, मजदूर लाचार लोग हैं उनके सर के ऊपर छत इंदिरा आवास के रूप में देंगी, और जहाँ तक हो सके एक प्रतिनिधि का जो दायित्व बनता है, जिम्मेदारियाँ बनती है, वो बखूबी 100% निभाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।